बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। चलें जी, आज आप ज़रा आउटलाइन लिख लें जी अपने लेक्चर का। पहले तो टॉपिक लिख लें, वीक 8 है, न्यू लिबरल कैपिटलिज्म, एनवायरमेंटल डिक्लाइन एंड ग्रीन कैपिटलिज्म। इन तीन चीज़ों पे हम इंशाल्लाह ताला डिटेल में बात करेंगे। यानी नंबर वन हम देखेंगे न्यू लिबरल कैपिटलिज्म को, एनवायरमेंटल डिक्लाइन और ग्रीन कैपिटलिज्म को, और यही तीन हमारी मेजर हेडिंग्स होंगी। थोड़ा सा हमें पस मंज़र देखना पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी हम डिटेल में इन चीज़ों को डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर हम गौर से देखें तो जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे सामने एक आती है, दैट इज़ जो न्यू लिबरल इकॉनमी है ना, ये बेसिकली 1970s के अंदर जो नई डिबेट्स हुई थी लिबरलाइजेशन ऑफ इकॉनमी से रिलेटेड, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, उसके साथ साथ मार्केट को अथॉरिटी और पावर्स देने से रिलेटेड और मार्केट फोर्सेस को इकॉनमी में इन्वॉल्व करने से रिलेटेड, प्राइवेट बिजनेस और इंडस्ट्री को प्राइवेट हाथों में देके ग्रो करने से रिलेटेड, और उसके साथ साथ जो हमने DLP मॉडल में पढ़ा था कि जो गवर्नमेंट है अब वो एज ए रेगुलेटरी बॉडी काम नहीं करेगी, यानी डीरेगुलेशन हो जाएगी। गवर्नमेंट जो है वो रेगुलेट नहीं करेगी ना इकॉनमी को, ना इंडस्ट्री को, और ना इंडस्ट्रियल एक्टिविटी या मार्केट से रिलेटेड जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है, और फिर उससे जो इकॉनमी से सोसाइटी में एक इम्प्रेशन आता है उसको कहीं भी गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं करेगी, यानी नॉन इंटरवेंशनिस्ट पॉलिसीज थी इसमें। अच्छा, प्राइवेटाइजेशन का जहाँ तक आप अगर देखते हैं तो 1990s में इसको बहुत ज़्यादा बूम मिला था। वो कैसे मिला था जी? जॉन विलियमसन का कॉन्सेप्ट, हमने डिटेल में कई बार इसको डिस्कस कर लिया है, जिसको वॉशिंगटन कंसेंसस भी कहा जाता है। और इसमें जो तीन इम्पॉर्टेंट एरियाज थे ना, जो जॉन विलियमसन ने डिवाइड करके एक्सप्लेन किए थे, वो ये था कि जो इकॉनमी है ना, इसको किसी भी रियासत या मुल्क के अंदर माइक्रो लेवल पर जो स्टेट इंटरवेंशनिज्म से बचाया जाएगा, और माइक्रो लेवल पर भी इकॉनमी को लिबरलाइज किया जाएगा, आज़ाद कर दिया जाएगा, प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा। मैक्रो लेवल पर जो स्टेट खुद इकॉनमी चलाया करती थी, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हुआ करती थी, उनको भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में दे दिया जाएगा। और तीसरा जो इंटरनेशनल इकॉनमी है उसको रेगुलराइज किया जाएगा थ्रू इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, जिसमें वर्ल्ड बैंक और IMF का बड़ा रोल है, इसीलिए इसको वॉशिंगटन कंसेंसस भी कहा जाता था। अगर थोड़ा सा मैं आपको इसकी जो हमने कुछ कॉन्सेप्ट्स अंडरस्टैंड किए थे, थ्री डिफरेंट किस्म के जो हमारे अलग अलग टीयर हमने बनाए थे, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ, तो जो मैक्रो लेवल इकॉनमी थी उसमें न्यू लिबरल इकोनॉमिस्ट का मानना यह था, या न्यू लिबरल कैपिटलिस्ट का मानना यह था कि जो स्टेट है ना, वो बजट को किस तरह कंट्रोल करेगी, उसके बारे में वो कहते थे कि फिस्कल डिसिप्लिन जो है इसको बाय एनी मीन्स रियासत इंश्योर करेगी। हमने देखा था कि जो फिस्कल डिसिप्लिन होता है उसको कहते हैं बैलेंस्ड बजटिंग। नाउ अगर आप बजट का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी रिवाइज करें तो आपको एक चीज़ समझ आती है कि बजट में जितने आपके सोर्सेज होते हैं रेवेन्यू जनरेशन के, उसके अकॉर्डिंगली ही आपका एक्सपेंडिचर होना चाहिए। ये माइक्रो लेवल है, तो रियासत की बात की जा रही है, यानी रियासत किसी भी ऐसी चीज़ पे एक्सपेंस नहीं करेगी जिसकी वजह से उसका जो डिसिप्लिन्ड बजट है, बैलेंस्ड बजट है, वो डेफिसिट में चला जाए। हाँ, वो तमाम काम रियासत कर सकती है जिसमें सरप्लस हो जाए, यानी उसका रेवेन्यू ज़्यादा हो जाए और एक्सपेंडिचर कम हो जाए, लेकिन बहुत से ऐसे काम हैं जो रियासत नहीं कर सकती जिसमें रियासत वेलफेयर की एक्टिविटीज़ करती है। हमने देखा है कि ये मॉडल बेसिकली बहुत ज़्यादा सूट करता है जितने भी वेस्टर्न यूरोप के कंट्रीज़ हैं, उसके साथ साथ अमेरिका को, क्योंकि ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट तो वो कर चुके थे, इंस्टीट्यूशंस भी वो बना चुके थे, फिर वहाँ पर जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट तक पहुँच चुकी थी, यानी सस्टेनेबल जो उनका GDP ग्रोथ है वो तो उन्होंने एक अरसे तक मेंटेन कर लिया था, उसकी वजह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी उन्होंने अटेन कर ली थी, यानी कि पर कैपिटा इनकम इन्हांस हो चुकी थी, लोगों की जो ज़रूरियात ज़िंदगी होती हैं जिसमें हाउसिंग होती है, क्लॉदिंग होती है,
एक्सेस टू जो है वाटर फैसिलिटीज़ होती हैं, बेहतरीन एजुकेशन और मेडिकल की एक्सेस है, गुड सैनिटेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है, तो स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट तो मेगा लेवल पर उन रियासतों ने कर दी थी। तो उनको ये पता था कि अब हमने अपने जो बजटिंग करनी है वो फिजिकल डिसिप्लिन के अकॉर्डिंगली हम कर सकते हैं, हमें तो कोई एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर नहीं करना, और इन केस कोई ऐसे क्राइसिस सिचुएशन आ जाते हैं तो रियासत उसमें कुछ ना कुछ करेगी, अदरवाइज ऐसा नहीं होगा। ये मसला तो उन कौमों के लिए था जो डेवलपिंग और अंडर डेवलप नेशंस थी, जो इस किस्म की फिजिकल डिसिप्लिन को फॉलो इसलिए भी नहीं कर सकती थी कि ऑब्वियस ही बात है गुर्बत बहुत ज़्यादा है बहुत से ममालिक में, और अंडर डेवलप कंट्रीज में तो बाज़ का जो पावर्टी का जो रेशो देखा जाता है जीडीपी के अकॉर्डिंगली वो बहुत ज़्यादा होता है, और उसके साथ साथ हम देखते हैं कि जो बिलो पावर्टी लाइन पॉपुलेशन है वो बाज़ का 50% से ज़्यादा लोग जो है बिलो पावर्टी लाइन पे होते हैं। तो हाउ इट कुड बी पॉसिबल फॉर सम हाउ डेवलपिंग एंड स्पेसिफिकली अंडर डेवलप नेशंस के वो इस तरह के किसी सिस्टम को फॉलो करती, तो ये तो मैक्रो लेवल पे उनकी ये तजावीज थी। दूसरी उन्होंने ये कहा था कि जितने भी सेक्टर्स, क्योंकि मार्केट फ्री कर दी गई है और मार्केट इकोनॉमी को बूस्ट दी जा रही है, गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं करेगी, तो जितने भी सेक्टर्स हैं ऑब्वियसली बात है वो प्राइवेट हाथों में होंगे, तो उनको इक्वल टैक्सिंग की जाए। अब इक्वल टैक्सेशन जब आप करते हैं हेल्थ को भी, एजुकेशन को भी, बहुत से और ऐसे एरियाज में जो कि ह्यूमन वेलफेयर के लिए हैं, जो कि स्टेट की कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो फिर तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं। तो एक तो उसमें उन्होंने ये बात कर दी थी। दूसरा उन्होंने ये कहा था कि जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी, जिस तरह के न्यू लिबरल इकोनॉमिस्ट या न्यू लिबरल कैपिटलिस्ट का मानना है कि जो भी इंडस्ट्री है उसकी जब पॉलिसी स्टेट बताती है, स्टेट उस पॉलिसी को डिवाइस करती है, तो इशू ये होता है कि स्टेट कहीं ना कहीं इंटरवीन करती है, क्योंकि कुछ सेक्टर्स ऐसे होते हैं जिसको स्टेट चाहती है मैं प्रमोट करूं तो प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी अप्लाई कर देती है, और उन सेक्टर्स के अंदर जितनी भी प्रोडक्टिविटी हो रही होती है उसके मुकाबले में किसी और मुल्क से या बाहर की दुनिया से इंपोर्ट नहीं की जाती उस एक स्पेसिफिक सेगमेंट के लिए, ताकि जो प्रोडक्शन उस सेगमेंट में की जाती है उस इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट किया जाए और लोग वही चीज़ों को इस्तेमाल करें और कंज्यूम करें और उससे वो सेगमेंट ग्रो करें। तो फिर इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी ये जो देते हैं वो कहते हैं कि जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी होगी वो बहुत ज़्यादा लीनियंट होगी विद रेफरेंस टू मेजर इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स, क्योंकि वो भी पॉलिसी सारी की सारी प्राइवेट हाथों में चली जाएगी। जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी जॉन विलियमसन ने या न्यू लिबरल कैपिटलिस्ट ने दी थी उसमें दो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। नंबर वन तो प्रमोशन होगी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की, अच्छा, यानी बाहर से इन्वेस्टमेंट आपके मुल्क में आ सकती है और आप उनको एक बेहतरीन इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेंगे। अगर आप देखें तो यूरोप, जिसमें वेस्टर्न यूरोप, सेंट्रल यूरोप आता है और अमेरिका है, यूके है, फ्रांस है, यहाँ पर अगर बाहर से ममालिक के बाहर से कोई पैसा किसी मुल्क के पास पड़ा भी हुआ है, फॉर एग्जांपल अरब कंट्रीज़ के पास पड़ा हुआ है या ईस्ट एशिया में किसी मुल्क के पास पड़ा है या प्राइवेट लोग वहाँ पर जाना चाहते हैं, तो ये तो फैसिलिटीज़ इतनी ज़्यादा दे रहे हैं तो ये तो पैसे को भी अट्रैक्ट कर रहे हैं अपने पास। इन पॉलिसीज़ में कोई अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग नेशन तो FDI को अट्रैक्ट कर ही नहीं सकता, क्योंकि FDI को अट्रैक्ट करने के लिए और भी बहुत से ऐसे प्रीरिक्विजिट्स हैं जो उन ममालिक के पास नहीं है। अच्छा जी, एक ये बड़ा इशू हो गया। फिर जब ट्रेड लिबरलाइजेशन करते हैं तो जब लिबरल ट्रेड हो जाती है तो ऑब्वियसली बात है, हमने कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड किया था कि जिस तरह ही हर चीज़ को आप आज़ादी की तरफ भेजते हैं तो जो कंट्रोल्स हैं रियासत के अपने वो बहुत मिनिमल रह जाते हैं, कम से कम होते चले जाते हैं, तो जो मार्केट फोर्सेज हैं वो फिर डोमिनेट कर जाती हैं आपकी पॉलिटिक्स पर भी, आपकी बहुत हद तक जो अंडर डेवलप और डेवलपिंग नेशंस हैं उनकी फॉरेन पॉलिसी पे, उनकी सिक्योरिटी की पॉलिसी पे, उनकी रीजनल पॉलिसी पे मार्केट फोर्सेस डोमिनेट करती हैं और मार्केट फोर्सेस डायरेक्ट करती हैं। क्योंकि जब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात आएगी तो अमेरिका जैसी बड़ी रियासतें या वेस्टर्न यूरोप जैसी बड़ी रियासतें छोटे ममालिक में जाके FDI यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करेंगे और बड़े बड़े एंटरप्राइजेस खोल देंगे या मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस का एक नेटवर्क बिछा देंगे, MNCs का एक जाल बिछा देंगे, तो उन ममालिक के लिए बड़ा मुश्किल होगा उन MNCs को रेगुलराइज करना, क्योंकि इंटरनेशनली एक पॉलिसी बन चुकी होगी कि लिबरलाइजेशन की है और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की है, और ये जो MNCs या मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन या ट्रांसनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस है जब ये आपके मुल्क में आके इन्वेस्ट कर रही हैं, पैसा
आपके मुल्क के लिए जनरेट कर रही हैं या कोई इंडस्ट्री लगा रही हैं, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रही हैं, तो फिर इनकी से भी होगी। तो जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज होते हैं या डेवलपिंग जो एक आपकी रोड टू डेवलपमेंट होती है, उसकी जो कंपटीशन में कंट्रीज होते हैं, उनकी बहुत सी ऐसी पॉलिसीज होती हैं जो फिर कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन हाथों में चली जाती हैं जो वेस्टर्नाइज्ड प्राइवेटाइज्ड एमएनसीज हैं। तो ये पूरा एक सिस्टम बना दिया गया। और जहाँ पर माइक्रो लेवल इकोनॉमी की बात आई, तो फिर उन्होंने कहा कि न्यू लिबरल इकोनॉमिस्ट ने कहा या न्यू लिबरल कैपिटलिस्ट वाशिंगटन कंसेंसस में कहते हैं कि आपने सब्सिडीज नहीं देनी। अब आप देखें कि जो वो ममालिक जो पहले से डिप्राइव्ड है, जहाँ पर पहले ही जो बिलो द पॉवर्टी लाइन पॉपुलेशन का ओवरऑल स्टैटिस्टिक्स जब हम देखते हैं 30-40 या बाज़ मुल्कों में 50% प्लस है, जहाँ पर पहले ही हाउसिंग फैसिलिटी नहीं है, सैनिटेशन, एजुकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये चीज़ें मौजूद ही नहीं है, तो उन मुल्कों में भी अगर धंधा करने की इजाज़त दे दी जाएगी, प्राइवेट ऑनर्स को मनी मेकिंग करने की इजाज़त दे दी जाएगी, मार्केट को, रेट को, प्राइस को कंट्रोल करना इनके हाथ में दे दिया जाएगा, तो वहाँ पर तो अनार्की आ जाएगी, लॉलेसनेस आ जाएगी और एक्सप्लॉयटेशन हो जाएगी। फिर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि फिर उन्हीं ममालिक की जो लेबर फोर्स होती है, जो अंडर डेवलप या डेवलपिंग कंट्रीज की एक हमारे पास एक 80% से ज़्यादा ममालिक इस कैटेगरी, इन दोनों कैटेगरीज में फॉल करते हैं, तो वहाँ पर तो फिर आप एक्सप्लॉयट भी करेंगे उनके जो रॉ मटेरियल जिससे आपने फिनिश गुड्स बनानी है, उसको भी आप एक्सप्लॉयट करेंगे, क्योंकि आप रॉ मटेरियल सस्ता खरीदेंगे, फिनिश गुड्स बना के वहाँ किसी ऐसे मुल्क में इंडस्ट्री लगा के पूरी दुनिया में फिर उस प्रोडक्ट को सेल भी करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो न्यू लिबरल इकोनॉमी है, ये डिज़ाइन तो की गई रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के लिए, लेकिन अमेरिका के खुद के लिए और वेस्टर्न यूरोप के लिए, सेंट्रल यूरोप के लिए भी ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक बन गया। वो कैसे बन गया? याद रखिएगा, जो स्टेट है ना, स्टेट जो रियलिज्म का एक कॉन्सेप्ट है, इंटरनेशनल रिलेशन की थ्योरी रियलिज्म, उसमें स्टेट मेन एक्टर ही रहता है, और जब स्टेट मेन एक्टर नहीं होता किसी भी सूरत में, तो प्राइवेट फोर्सेज, याद रखिएगा, दुनिया में कहीं पर भी हों, उनके इंटरेस्ट स्टेट के इंटरेस्ट से अगर अलग हों किसी भी जगह पे जाके, तो वो स्टेट के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट ही करती, चाहे वो अमेरिका, चाहे वो पाकिस्तान, और कहीं ना कहीं फिर स्टेट को इंटरवेंशन करनी पड़ती है। तो ये जो न्यू लिबरल इकोनॉमी का मॉडल हमने देखा, जिसको मैंने भी हल्का सा आपको एक उसका ग्लिम्प्स दिया, जिसको वाशिंगटन कंसेंसस भी कहा जाता है, जिसको न्यू लिबरल कैपिटलिज्म भी कहा जाता है, जॉन विलियमसन की थ्योरी भी कहा जाता है, इसमें बहुत से ऐसी लूप होल्स हैं जो लेटर ऑन 1990 से 2008 के दरमियान इमर्ज करना शुरू हुई, क्योंकि जब स्टेट का कंट्रोल ही बहुत ज़्यादा कम कर दिया आपने, मिनिमाइज कर दिया, स्टेट की रिट अथॉरिटी ही चैलेंज हो गई, इंटरवेंशनिस्ट पॉलिसीज ही ना आई, तो फिर जो मार्केट है वो जो ट्रेंड सेट करती है, बाज़ अकात वो जो ट्रेंड होता है वो एक बबल की सूरत में होता है, गुब्बारा की सूरत में होता है, जो कि आर्टिफिशियल होता है और कभी भी ब्रस्ट कर सकता है, कभी भी फट जाता है, और उसके बाद वो जो बड़े बड़े इदारे, बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बड़े बड़े प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन और इंडस्ट्रीज और एलीट होते हैं, वो फिर गवर्नमेंट की तरफ देखते हैं और उनको कहते हैं आए जी इंटरवीन करें। जिस तरह के 2008 के सॉवरेन डेट क्राइसिस या ग्रेट फाइनेंशियल क्राइसिस में 2008 में अमेरिका में और यूरोप के अंदर हुआ। अब ये चूँकि चीज़ें हम डिटेल में अंडरस्टैंड कर चुके हैं, तो हमने अब कुछ इफ़ेक्ट्स भी देखने हैं, चूँकि हमने न्यू लिबरल कैपिटलिज्म को बहुत से लेक्चर्स में इन डेप्थ क्रिटिसाइज भी किया, इसके क्रिटिसिज्म में जो नई थेरीज आई उनको भी देखा, स्टेट लेड इकोनॉमिक डेवलपमेंट जिसमें ईस्ट एशियन कंट्रीज आते हैं, स्पेशली जापान आता है, फिर कहीं ना कहीं एशिया के अंदर चाइना में हमने बात की, स्टेट लेड इकॉनमी किस तरह उन्होंने डेवलप की, और इसी असरा में, इसी दौर में उन्होंने डेवलप की, और ना कि इकॉनमी उन्होंने ग्रो की, बल्कि सस्टेनेबल ग्रोथ के साथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट आई, जिसको हम बोलते हैं कि पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हुई, लोगों की जो अपने हालात ज़िंदगी हैं वो बेहतर हुआ, एजुकेशन सेक्टर में बेहतरी आई, हेल्थ सेक्टर गवर्नमेंट ने प्रोविजन बहुत ज़्यादा वहाँ प्रोवाइड की, उसके साथ साथ जो बहुत और डिफरेंट किस्म के पैरामीटर्स हैं जिससे किसी भी मुल्क की इकोनॉमिक ग्रोथ को मापा जा सकता है, उनके अकॉर्डिंगली भी जो रिजल्ट्स नज़र आए, स्पेशली चाइना, जापान और
कुछ ईस्ट एशियन नेशंस में वो बहुत बेहतर थे और उन्होंने स्टेट लेड इकोनॉमी को फॉलो किया। तो एक तो क्रिटिसिज्म, इसके ऊपर हमने डिटेल में डिस्कशन की। अब चलते हैं आज के लेक्चर में, जो हमने रिव्यू करना है जिन चीज़ों को, जिससे रिलेटेड मैंने अभी आपको ये एक थोड़ा सा ग्लिम्स दिया कि क्या न्यू लिबरल कैपिटलिज्म जो था या कुछ हद तक 2015 तक इसको किसी ना किसी हद तक काफ़ी हद तक प्रमोट भी किया गया, बाद हजार फिर एक मिस्ड इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट दोबारा वापस आ गया, स्टेट इंटरवेंशनिस्ट पॉलिसी आ गई, हमने जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी के लेक्चर में पढ़ा था कि किस तरह फिर अमेरिका और बाकी बड़ी रियासतों ने 2008 के बाद एक स्पेसिफिकली प्रोटेक्शनिज्म की पॉलिसी को परसू किया, इंडस्ट्रियल पॉलिसी को परसू किया और स्टेट ने इंटरवीन किया विद अलॉन्ग विद या साइड बाय साइड आप देख सकते हैं कि उनकी जो किसी हद तक मार्केट इकोनॉमी थी वो भी साथ साथ चलती रही। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक हद तक तो ये जो न्यू लिबरल्स हैं इनके अगेंस्ट अमेरिकन एकेडेमिया में अमेरिकन इकोनॉमिस्ट भी काफ़ी ज़्यादा इनको क्रिटिसाइज़ करते हैं, दूसरी तरफ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में भी इनको क्रिटिसाइज़ किया जाता है। ये जो न्यू लिबरल कैपिटलिज्म है इसकी डिक्लाइन की वजूहात क्या थी, इसको हम ज़रा गौर से देखते हैं। तो सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इसमें हम डिस्कस करेंगे, स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि कोई भी इकॉनमी या कोई भी जब इकोनॉमिक मॉडल सरफेस किया जाता है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं कुछ रीजंस होती हैं जिनको सामने रखा जाता है। और वो रीजंस क्या होती हैं, वो रीजंस ये होती हैं कि अगर ये वाला इकोनॉमिक मॉडल किसी भी रियासत या नंबर ऑफ कंट्रीज के लिए रिकमेंड किया जा रहा है तो इसका डायरेक्टली इम्पैक्ट या इफेक्ट वहाँ की पॉपुलेशन पर क्या आएगा, उनकी जो ज़िंदगी है उसमें कौन सी तब्दीली आएगी और डेवलपमेंट किस हद तक उस सोसाइटी में और उस इकॉनमी में होगी, और जो सबसे इम्पॉर्टेंट टारगेट तारीखी तौर पर रियासतों का रहा है उसको हम कहते हैं पावर्टी एलिविएशन, यानी गुर्बत का काफ़ी हद तक खात्मा या कम से कम गुर्बत को कम किया जाए, जो पावर्टी लाइन से नीचे आपकी परसेंट एज या रेशो पॉपुलेशन की है उसको कम से कम किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को गुर्बत की लाइन से ऊपर लाया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ऐसे मौके प्रोवाइड किए जाएँ, चाहे वो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्यों ना हो, छोटे लेवल पर उनको एक्टिविटी क्यों ना करके अपॉर्चुनिटी क्रिएट की जाए, माइक्रो फाइनेंसिंग क्यों ना की जाए, जिस तरह के एक बहुत बड़ा और सक्सेसफुल माइक्रो फाइनेंसिंग का मॉडल हमें बांग्लादेश में भी नज़र आता है जहाँ लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करने की अपॉर्चुनिटीज़ दी गई। अब ये जो पैरामीटर्स हैं ये मैंने जिन रिपोर्ट्स से लिए हैं उनमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट है वो WHO की रिपोर्ट है और एक रिपोर्ट है IPCC की। नाउ व्हाट इज मेंट बाय IPCC, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, क्योंकि न्यू लिबरल इकोनॉमी का कुछ इम्प्लीकेशंस भी हुई थी, जाहिर सी बात है जब आपने मार्केट को फ्री कर दिया, मार्केट फोर्सेस को कहा कि अब आप अपना पैसा भी बनाएं और इकोनॉमी को भी आप चलाएं और गवर्नमेंट इंटरवेंशनिस्ट पॉलिसी नहीं करेगी और इकोनॉमी को लिबरलाइज करेगी, तो फिर इंडस्ट्रियलिस्ट का माइंडसेट जो होता है ना, उन्होंने पैसा बनाना होता है और पैसा बनाने के लिए उन्होंने जो ट्रेड ऑफ करना होता है ना, वो उस वक्त की हर किस्म की जो लोगों की वेलफेयर की या ह्यूमैनिटी की वेलबींग की कोई भी अपॉर्चुनिटी है उसके साथ वो उसको ट्रेड ऑफ कर देते हैं। यानी अगर इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रही है और दूसरी तरफ से इकोनॉमिक डेवलपमेंट या इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट की जा रही है, तो वेस्ट ने क्या किया कि उन्होंने कहा ठीक है फॉर द टाइम बींग हमें इकॉनमी में बेहतरी मिल रही है, अगर इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रही है तो कितना इतना बड़ा इशू नहीं है। और कैपिटलिस्ट सोचते भी इस तरह से ही हैं, जिसने पैसा लगाया होता है, जिसने इन्वेस्टमेंट की होती है उसने उससे प्रॉफिट अर्न करना होता है। और कैपिटलिज्म का जो सबसे नेगेटिव एस्पेक्ट है वो यही है कि ये बड़ा रुथलेस सिस्टम है और इस रुथलेस सिस्टम में कहीं पर भी ह्यूमैनिटी, मैनकाइंड ग्लोबल परस्पेक्टिव में चीज़ों को नहीं देखा जाता। गो के इस तरह के बहुत से प्रोजेक्शंस हमें मिलती हैं, WHO की भी, UNO की भी, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल और इस तरह के बहुत से ऐसे चीज़ें इन्होंने कोशिश की इस पे काम करने के लिए, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ। तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, 1990 से 2018 तक का एक रिसर्च, एक डाटा मेरे पास है, उसमें कहा जाता है कि जो न्यू लिबरल कैपिटलिस्ट थे इन्होंने कुछ अचीव भी किया। नाउ व्हाट दे अचीव्ड इज दैट कि इन्होंने 8.6% ग्लोबल पावर्टी रिडक्शन कंट्रीब्यूशन की, यानी पूरी दुनिया में
जो भी आबादी 1990 से 2018 तक की थी उसको 8.6% उसमें गुर्बत की कमी की। ऑब्वियसली बात है जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी, मैंने आपको एक लेक्चर में पढ़ाया था कि जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी होती है वो बनाई ही ऐसे जाती है कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज क्रिएट किया जाता है। नाउ व्हाट इज फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेज, कि एक अगर इंडस्ट्री लगा दी है, चाहे वो प्राइवेट इंडस्ट्री है चाहे वो रियासत ने इंडस्ट्री लगाई है, तो वो इंडस्ट्री जब प्रोडक्ट्स बनाएगी, फिनिश गुड्स बनाएगी, तो उसके लिए उस इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल चाहिए होगा। तो अगर वो भी उस मुल्क में अवेलेबल है तो रॉ मटेरियल जब परचेज किया जाएगा तो वो जो बैकवर्ड लिंकेज है वो सोसाइटी और कम्युनिटी से हो जाएगा, वहाँ भी पैसा जाएगा। फिर प्रोडक्ट्स जब फाइनलाइज कर दी जाएंगी और बना दी जाएगी तो जिस इंडस्ट्री में वो प्रोडक्ट्स बनाई जाएगी उस इंडस्ट्री में भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। फिर उन प्रोडक्ट्स को कंज्यूमर तक पहुँचाना है, लॉजिस्टिक की ज़रूरत होती है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पर सर्विसेज सेक्टर आ जाता है और फिर सर्विसेज सेक्टर में भी एम्प्लॉयमेंट भी होती है और बिजनेस एक्टिविटी भी जनरेट होती है। तो तीन सेगमेंट्स पे इकोनॉमी जो है वो इम्पैक्ट डालती है फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज में। तो बिल्कुल ऐसा ही न्यू लिबरल कैपिटलिस्ट इकॉनमी में हुआ कि दुनिया के जिन ममालिक में इस तरह की ट्रेड लिबरलाइजेशन की गई, प्राइवेटाइजेशन की गई और डीरेगुलेशन की गई, स्पेशली अमेरिका के अंदर और यूरोप के अंदर, तो क्या हुआ वहाँ पर जो पर कैपिटा इनकम थी वो बेहतरी की तरफ गई, बढ़ना शुरू हुई और किसी हद तक हम ये कह सकते हैं कि पावर्टी जो है रिड्यूस हुई और डेवलपमेंट की तरफ या सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ वो ममालिक गए। लेकिन ये एट द एक्सपेंस ऑफ व्हाट, इसकी कीमत क्या थी, क्योंकि किसी भी काम के करने की कोई कीमत तो अदा करनी पड़ती है। तो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज तो क्रिएट हो गई लेकिन एट द सेम टाइम पूरी की पूरी दुनिया में इन इक्वलिटीज ग्रो करना शुरू कर दी, यानी जो बराबरी है, जो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन फाइनेंशियल टर्म्स में हम सोसाइटी की डिवीजन करते हैं या वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी को जब हम स्ट्रैटिफिकेशन में देखते हैं कि कोर है, सेमी पेरिफेरी और पेरिफेरी है, उनमें जो अकोमोडेशन ऑफ वेल्थ थी, जो प्रॉपर्टी ऑनरशिप थी, जो दुनिया की रिसोर्सेज की ऑनरशिप थी, इसके ऊपर एक बहुत बड़ा इशू आ गया। और वो इशू क्या था, रिपोर्ट ये बताती है कि जो वर्ल्ड के रिचेस्ट पीपल हैं, 26 नए दुनिया के रिचेस्ट पीपल दुनिया में इमर्ज किए और 80% से ज़्यादा वो रिचेस्ट पीपल अमेरिका से ताल्लुक रखते हैं। अब आप देख लें न्यू लिबरल कैपिटलिज्म और न्यू लिबरल इकोनॉमी ने किस तरह एक पूरा नेटवर्क डेवलप किया रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में, और उसका कंपैरिजन जब वो करता है तो बाकी जो 50% दुनिया की पॉपुलेशन 2018 तक थी, इस रिपोर्ट में बताया गया कि दुनिया की जो रिमेनिंग 50% आधी पॉपुलेशन थी, जितनी वेल्थ उनके पास है, जितना रिसोर्सेज या प्रॉपर्टी या कुछ भी जो भी उनके पास रिसोर्सेज हैं, उसके कंपैरिजन में सिर्फ 26 जो दुनिया के रिचेस्ट लोग हैं उनके पास इतना पैसा चला गया। तो ये जो फ्लो ऑफ कैपिटल है ये वन साइड पे चला गया। उसकी मैंने अभी आपको जब बैकग्राउंड इसकी डेवलप की न्यू लिबरल कैपिटलिज्म या न्यू लिबरल इकोनॉमी या मार्केट लेड इकोनॉमी, इसको वाशिंगटन कंसेंसस भी कहते हैं, शिकागो स्कूल की 1970s की थ्योरी भी कहते हैं, तो इसमें कुछ डिज़ाइन इस तरह का किया गया कि जो इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी जब डिवाइस की गई तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के नीचे निज़ाम ऐसा बना दिया गया कि बाकी मुल्कों को भी ये इंस्ट्रक्शन दी गई कि आप भी अपनी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फ्री करें, आप भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर को अपने पास बुलाएं और आप क्या करें, ट्रेड लिबरलाइजेशन की तरफ चले जाएं, आप ट्रेड बैरियर्स ख़त्म कर दें, बाहर से इम्पोर्ट्स अपने मुल्क में आने दें, और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट्स टैरिफ ख़त्म करने की वजह से क्या होगा कि जब दो एंटिटीज़ बिजनेस करती हैं ना, और एंटिटी वन जो होती है, याद रखिएगा, उसके पास पैसा भी ज़्यादा है, एजुकेशन यानी टेक्नोलॉजी भी उसके पास ज़्यादा है, एडवांसमेंट भी उसके पास ज़्यादा है, स्ट्रेटेजिकली प्लानिंग भी उसकी अच्छी है और वो आपसे ज़्यादा स्किल्ड भी है, तो जो दूसरा एंटिटी होती है जब वो आपस में एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं किसी भी टर्म पे आके करते हैं, एट द एंड ऑफ द डे दिस वन विल बेनिफिट मोर, और मिलियंस एंड थाउजेंड टाइम्स ज़्यादा बेनिफिट होगा रादर देन दिस, क्योंकि दूसरी एंटिटी की थोड़ी हद तक पावर्टी एलिविएशन हो जाएगी, कुछ डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स इंटरनेशनल लग जाएंगे, कहीं ना कहीं एड मिल जाएगी और इस तरह की कुछ चीज़ें हो जाएंगी, उनको कुछ इंटरनेशनल कम्युनिटी या अरीना ऑफ
नेशंस में कोई बेहतरीन मुकाम थोड़ा बहुत मिल जाएगा, कोई एक दो बड़े इदारों की कहीं ना कहीं एज ए ऑब्जर्वर या एज ए टेम्परेरी मेंबरशिप तो मिल जाएगी, उनकी सेल कहीं ना कहीं होगी या इतनी हद तक तो नहीं होगी, लेकिन उनकी प्रेजेंटेशन आ जाएगी, उनकी पार्टिसिपेशन हो जाएगी, लेकिन इन रियल टर्म्स इकोनॉमिक बेनिफिट जो छोटे ममालिक हैं वो कभी नहीं हासिल कर सकते, क्योंकि ये इकॉनमी डिज़ाइन ही इस तरह की जाती है, पहली तो बात ये। अब अगर आप देखें तो जो फ्लो हुआ पूरी दुनिया से पैसों का, वो बड़ी इकॉनमीज की तरफ हुआ, ज़्यादा पैसे उन्होंने कमाए। वो कैसे कमाए? ऑब्वियसली बात है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के नाम पे वो बाकी दुनिया के जिस तरह साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं और उसके अलावा अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, लैटिन अमेरिका के मुल्क हैं, कुछ आसियान रीजन में ममालिक आते हैं, जब वो वहाँ पर गए, उन्होंने इन्वेस्टमेंट की, तो उन्होंने बड़े सस्ते रेट्स पर वहाँ पर इन्वेस्टमेंट की, सस्ते रेट पर वहाँ पर लेबर ली, सस्ते रेट पर वहाँ पर उन्होंने जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप किया, और उधर से जब इनकम जनरेट की वो बहुत ज़्यादा थी, और फिर उस जो प्रोडक्ट्स हैं उसको फिर पूरी दुनिया में उन्होंने मार्केट भी किया, पूरी दुनिया में उसकी कंज्यूमर मार्केट भी क्रिएट की, एक तो ये काम किया, फिर कहीं ना कहीं वो प्रोडक्ट्स जो उन ममालिक में खुद तैयार हो सकती थी, उनके अपने इंडिजीनियस रिसोर्सेज को अगर बेहतर किया जाए और टेक्नोलॉजिकली उनको सपोर्ट किया जाए, तो वो ममालिक खुद वो चीज़ें प्रोड्यूस कर सकते थे, उस पर बैन लगा दिया गया और इम्पोर्ट डिपेंडेंट इकॉनमी वहाँ पर डेवलप की गई। बहुत से ममालिक में करप्शन थी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी और बहुत से मामलात थे जो कि इनडायरेक्टली इन चीज़ों के साथ लिंक्ड भी हैं, और मैंने जो आपको बुक रिकमेंड की है बॉटम बिलियन, उसमें बड़ी डिटेल में अफ्रीका से रिलेटेड इस पर बात की गई। अब ये जो न्यू लिबरल कैपिटलिज्म है, अपेरेंटली नंबर्स में और स्टैटिस्टिक्स में तो इन्होंने कहीं ना कहीं पावर्टी एलिवेशन 8.6% कर दी, इनइक्वालिटी दुनिया में थोड़ी बहुत ख़त्म कर दी, लेकिन एक बहुत बड़ा गैप बना दिया कि बहुत ज़्यादा पैसा जो था वो इन न्यू लिबरल कैपिटलिस्ट के पास चला गया, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो है वो रिलेटिवली उसी हालत में था या थोड़ा सा बेहतर हुआ जो 1990s में था। नंबर टू, जो दूसरा काम न्यू लिबरल इकॉनमी ने किया या दूसरा नुकसान पहुँचाया इम्बैलेंस क्रिएट करने के लिए, वो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन थी। कहा जाता है कि 1990 से लेके 2020 के दौरान जो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन इन 30 सालों में हुई है, वो पिछली पूरी की पूरी एक सेंचुरी में नहीं हुई। इसका मतलब ये हुआ कि जो इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टेट्स थी, एक तो उन्होंने अपने मुल्क में, क्योंकि इकॉनमी लिबरल की हुई थी, प्राइवेट हाथों में पैसा था और प्राइवेट हाथों में इकॉनमी दे दी थी, और मुल्क की अपनी इंटरवेंशनिस्ट पॉलिसीज बिल्कुल बहुत कम थी, वो जो इंडस्ट्रियल पॉलिसीज थे वो कंट्रीज जिस तरह अमेरिका जैसा मुल्क खुद नहीं बना रहा था, बल्कि प्राइवेट लोग उसको बना रहे थे, तो एक तो उनके अपने मुल्क में बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री लग गई। दूसरा क्या हुआ कि वो तमाम स्टेट्स या रियासतें जहाँ पर इन ममालिक ने खुद जाकर के फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की थी, वहाँ पर भी ऐसी ही इंडस्ट्री लगाई गई है, ऐसी ही इंडस्ट्री को प्रमोट किया गया जहाँ पर इन्वायरमेंट फ्रेंडली जो प्रोविजंस थी ना उसको निगेट किया गया, यानी वो तमाम प्रोविजंस जिससे इन्वायरमेंट का फ़ायदा होता है उनको निगेट किया गया, और वो तमाम प्रोविजन जिससे पैसा बन सकता है कैपिटलिस्ट की जेब में, मैक्सिमम डॉलर्स और बिलियंस ऑफ डॉलर्स अकोमोडेट हो सकते हैं, उनको फॉलो किया गया, और साथ साथ क्या हुआ, ऑल टुगेदर इन्वायरमेंट जो था वो डिग्रेड हो गया। अब क्या हुआ, मैं आपको एक छोटी सी रिपोर्ट बताता हूँ, ये वही रिपोर्ट है IPCC की, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, 2018 में इन्होंने एक सर्वे किया जिसके अकॉर्डिंगली ये कहते हैं कि जो डिज़ास्टर अकर हुए हैं दुनिया के अंदर, मेजरली वेस्ट के अंदर भी हुए हैं, ईस्ट में भी हुए हैं, मिडिल ईस्ट में भी हुए हैं, जो नेचुरल डिज़ास्टर अकर हुए हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से, उसमें मोर देन 500,000 डेथ्स हुई हैं, यानी 500,000 लोग तो नेचुरल डिज़ास्टर की वजह से मर गए। और वो ये क्यों हुआ, क्योंकि इन्वायरमेंट इम्बैलेंस हुआ, डिग्रेड हुआ, तो क्लाइमेट चेंज हो गया, पहली बात। दूसरी बात ये कहते हैं कि ऑलमोस्ट $360 बिलियन का लॉस भी उठाना पड़ा है दुनिया की इकोनॉमी को, क्योंकि जब ऑब्वियसली बात है सुनामीज आएंगे, टॉर्नेडोज आएंगे, अर्थक्वेक्स आएंगे, बहुत हॉट वेदर रहेगा, फिर आपको पता है एपिडेमिक और एंडेमिक डिजीजेज इरप्ट कर जाती हैं, जिस तरह अभी हमारे पास एक पेंडेमिक, ग्लोबल पेंडेमिक कोरोना वायरस है, खैर ये तो एक नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट है,
जिसको आप बायोटेररिज्म की टर्म में भी कह सकते हैं, ये एक अलग डिबेट चली जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं हम जब ये चीज़ों को देखते हैं तो हमें समझ आती है कि इतना ज़्यादा लीनियंट लिया गया, इतना ज़्यादा न्यू लिबरल कैपिटलिस्ट ने इजी लिया अपनी इंडस्ट्री को प्रमोट करने के चक्कर में, कि पूरे का पूरा जो ग्लोबल एनवायरनमेंट था ना उसको डिग्रेड कर दिया गया और कार्बन एमिशन बहुत ज़्यादा की गई। मीथेन, क्लोरो फ्लोरो कार्बन जो एयर इंडेक्सेस थे, इवन के अभी आप पाकिस्तान में आके देखते हैं, लाहौर शहर जिसमें हम बैठे हुए हैं, यहाँ पर भी अब दो दफा स्मोग आ जाती है। एक तो सर्दियाँ शुरू होते हुए आती है, एक सर्दियाँ जाते हुए आती है, और थ्रू आउट जो एयर पोल्यूशन इंडेक्स अगर हम कभी देखें तो वो जो एयर पोल्यूशन इंडेक्स है वो हाई रहती है पोल्यूशन। अब आप खुद अंदाजा लगा लें कि इससे भी तो बहुत ज्यादा हेल्थ हैजर्ड्स आते हैं। फिर एक कंसिस्टेंट कोर्स ऑफ लाइफ है, जिस कंसिस्टेंट कोर्स ऑफ लाइफ में ह्यूमन बीइंग भी हैं, फ्लोरा एंड फौना भी हैं, बर्ड्स भी हैं, एनिमल्स भी हैं, मरीन लाइफ भी है, ये सब की सब इससे डैमेज हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो न्यू लिबरल कैपिटलिस्ट हैं उन्होंने तो पैसा बनाना है और उन्होंने वही पॉलिसीज परसू करनी है जो कि मार्केट सपोर्टिव होंगी, और वो ममालिक जो न्यू लिबरल कैपिटलिज्म को प्रमोट कर रहे हैं वो वही तमाम ममालिक हैं दुनिया के जो हाईली इंडस्ट्रियलाइज स्टेट्स हैं, और फिर उन्होंने ये अपने बेनिफिट के लिए किया है क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा उन्होंने बनाना है। IPCC इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज कहता है, 2018 में एक रिपोर्ट दी कि 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड एक रेज आया है टेम्परेचर में इन 30 सालों के अंदर, और ऑलमोस्ट ये जो टेम्परेचर रेस आया है ये इरिवर्सिबल है। यानी अगर आप प्लांटेशन कर देते हैं, आप एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रोविजंस को फॉलो करते हुए कुछ ऐसी ग्रीन एनर्जी लेके आते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी लेके आते हैं, जो आपकी गार्बेज प्रोडक्शन है उसको कम करते हैं, गार्बेज को रिसाइकल करते हैं, कुछ ऐसी एक्टिविटीज करते हैं, फिर भी 1.5 डिग्री रेज जो आ चुका है 21वीं सदी के, ये जो 2020 21 में आज हम हैं, तो ये इरिवर्सिबल है। और ये बहुत बड़ी शॉकिंग न्यूज़ है। उसकी रीज़न ये है कि हम देखते हैं कि जो हाई टेम्परेचर्स लेवल जब एकदम आ जाते हैं तो मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स होती है, फिर आपकी जो हशरातुल अर्ज जिनको कहा जाता है, इंसेक्ट्स कहा जाता है, इनके लाइफ साइकिल में, इनकी प्रोलिफरेशन में, इनकी पैदावार में मिलियन टाइम्स इजाफा हो जाता है। और इसी वजह से आप देखते हैं किसी दौर में चाइना के अंदर टिड्डी दल होता था, पाकिस्तान भी उससे कन्फ्रंट कर रहा है, पूरी की पूरी फसल वो एक रात में ख़त्म कर देते हैं। यानी फूड क्राइसिस आ सकता है, फेमाइन या ड्रॉट आपकी कंडीशन पैदा हो सकती है, ऑब्वियसली बात है खुश्कसाली भी आ सकती है, टिड्डी दल की वजह से, लोटस की वजह से फूड ग्रेन्स की कमी हो सकती है, और जब फूड क्राइसिस आता है प्राइसेस ऊपर की तरफ जाती हैं, वो ममालिक जिनमें ऑलरेडी गुर्बत है तो हुकूमतें फिर कैसे उन ममालिक को मतलब मैनेज करेंगे। जिस तरह के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा था कि हम वो मुल्क नहीं है जो कोरोना वायरस के, सोशल डिस्टेंसिंग के और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के जो जो भी चीज़ें हैं उनको SOPs को फॉलो करते रहें और अपना इकोनॉमिक इंजन बंद करके बैठ जाए तो लोग तो भूख से मर जाएंगे। और इसे पाकिस्तान के लिए नहीं है, दुनिया के भी, मैंने आपको एक डिफरेंस क्रिएट करके बताया कि 50% पॉपुलेशन कन्फ्रंट कर रही है इस तरह के प्रॉब्लम्स को। और इस वक्त जब मैं आपसे लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ तो दुनिया की आबादी तकरीबन 8 बिलियन या उससे 8 बिलियन को क्रॉस कर चुकी है। तो ये तो नहीं हो सकता कि चंद हाथों में पैसा चला जाए, चंद ममालिक ही बहुत अमीर हो जाए। अच्छा, IPCC की एक और बड़ी इंकशाफ वाली जो अपनी रिपोर्ट में उन्होंने एक चीज़ लिखी, वो कहते हैं इंक्रीज इन वाटर स्ट्रेस, यानी जो न्यू लिबरल कैपिटलिज्म की वजह से जो पैसा बनाने की एक मशीन 30 साल दुनिया में चलती रही और न्यू लिबरल कैपिटलिस्ट ने पैसा बनाया, जिसमें इन्होंने स्टैटिस्टिक बताया कि हमने 8.6% या कुछ हद तक ये पॉपुलेशन, ये जो पावर्टी एलिविएट कर दी है, हमने इकॉनमी डेवलप कर दी है, तो इनका नुकसान क्या हुए कि दुनिया में वाटर लेवल जो था वो नीचे की तरफ जाना शुरू हो गया और वाटर स्ट्रेस आ गया, यानी वाटर टेबल बहुत से ममालिक का नीचे चला गया। वो क्यों नीचे चला गया ये मैं जिक्र इंशाल्लाह आगे करूंगा। बस इतना आप जहन में रखिएगा कि इस दौरान जो है जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं या डेवलपिंग कंट्रीज, कुछ हद तक डेवलपिंग कंट्रीज की तरफ जा रहे वो कुछ मुल्क ऐसे, उनकी चूंकि ऑब्वियसली बात है गवर्नमेंट्स जो थी वो उस तरह से
इंडिपेंडेंट नहीं थी और उन्होंने अमेरिकन न्यू लिबरल कैपिटलिज्म को कहीं ना कहीं मानना या फॉलो करना था, और कहीं ना कहीं वो इनके उस नेटवर्क में किसी भी डोमेन में आप समझ लें बाय अथॉरिटी समझ लें IMF वर्ल्ड बैंक की या बाय एनीथिंग फॉरेन पॉलिसी की कुछ रिजर्वेशन समझ लें कि उनको इनके इन चीज़ों को फॉलो करना पड़ा उन ममालिक को, तो फिर वो स्टेट लेड डेवलपमेंट की तरफ तो जा नहीं सके। तो जब मार्केट फोर्सेस को इजाज़त देंगे तो मार्केट फोर्सेस तो आपको पता है फिर खुद से चीज़ों को डिटर्मन करती हैं। एक और काम हुआ जो इस रिपोर्ट में वो बताते हैं कि अनएक्सपेक्टेड माइग्रेशन पूरी दुनिया में होना शुरू हुई। अब जब अनएक्सपेक्टेड माइग्रेशन है तो उसकी कोई एक रीज़न नहीं होती, क्लाइमेट चेंज भी होता है, उसके साथ साथ स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज भी होते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ का कम होना भी होता है, अंडर डेवलप्ड डेवलपिंग नेशंस में वो मौके नहीं मिलते, और साथ साथ फिर इसी असना में इन 30 सालों में हमने कुछ बड़ी जंगें भी मिडल ईस्ट में देखी, साउथ एशिया में देखी, इवन के पाकिस्तान अफगानिस्तान ये वाला जो रीजन है ये भी काफ़ी वल्नरेबल रहा, मिडल ईस्ट काफ़ी वल्नरेबल रहा, आप श्रीलंका और उसके साथ कुछ ममालिक और भी देखते हैं जो सार्क के मेंबर है, वहाँ पर भी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट इसको हम पॉलिटिकल क्राइसिस कहते हैं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी उस तरह से नहीं रह सकी, तो ये फैक्टर भी कहीं ना कहीं कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं माइग्रेशन में। और जब ये फैक्टर आ जाते हैं तो फिर क्या होता है कि जो बड़े ममालिक हैं किसी हद तक वो मुल्क जो कि सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ हैं, जिनको पता है कि हमारे पास एजुकेशन भी है, हेल्थ भी है, जॉब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी है, लोग अट्रैक्ट होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं फिर नेशनलिज्म की तरफ जाते हैं या इकोनॉमिक नेशनलिज्म की पॉलिसीज़ को उन्होंने फॉलो करना शुरू कर दिया, रिस्ट्रिक्शंस लगाना शुरू कर दी, और कहीं ना कहीं जो ट्रेड लिबरलाइजेशन की बात की जा रही थी वह ट्रेड बैरियर्स भी उन्होंने लगाना शुरू कर दिए। इस फैक्टर की वजह से IPCC कहता है कि जो एयर पोल्यूशन इंडेक्स है वो इतना ज़्यादा बड़ा है इन 30 सालों में कि 4.2 मिलियन पीपल एनुअली सलाना 4.2 मिलियन यानी 1 मिलियन 10 लाख को कहते हैं तो 42 लाख लोग सालाना जो है एयर पोल्यूशन इंडेक्स में पोल्यूशन ज़्यादा होने की वजह से भी हर साल मरना शुरू हो गए हैं दुनिया में। और अगर ये लोगों की बात की जाए तो उसके साथ साथ मैंने आपको बताया कि हशरातुल अर्ज यानी इंसेक्ट्स भी होते हैं, फ्लोरा फोना भी होता है, एनिमल्स प्लांट्स भी होते हैं, उसके साथ साथ आपके बर्ड्स भी होते हैं, तो काफ़ी हद तक एक पूरे का पूरा आपका इकोसिस्टम ही डैमेज हो जाता है। यानी अगर आप इकोसिस्टम की एक सिंपलेस्ट डेफिनेशन देखें तो एक ऐसा इन्वायरमेंट जहाँ लिविंग और नॉन लिविंग इंट्रैक्शन कर रहे हैं उसको इकोसिस्टम कहते हैं, और बैलेंस इकोसिस्टम ये होता है जहाँ लिविंग और नॉन लिविंग एक दूसरे को कहीं ना कहीं बेनिफिट दे रहे हों और इन्वायरमेंट बेहतर हो। तो इससे क्या हुआ, पूरे का पूरा इकोसिस्टम भी डैमेज हुआ, और सिर्फ अंडर डेवलप या डेवलपिंग नेशंस में नहीं जहाँ के न्यू लिबरल इकोनॉमिस्ट ने आकर या प्राइवेट बिजनेस ऑनर्स ने आकर इंडस्ट्रीज लगाई, बल्कि उन ममालिक में जिन ममालिक में इसको इनिशिएट किया गया जिसमें अमेरिका सर फहरिस्त है। WHO की एक रिपोर्ट हमारे सामने आई और WHO कहता है कि 2020 में 2.1 बिलियन लोग जो हैं यानी 2.1 बिलियन पीपल वो हैं जिनको रेडिली अवेलेबल स्पेस जो सेफ वाटर की सप्लाई है नहीं मिलती। यानी मुझे और आपको जिस तरह रेडिली अवेलेबल सेफ वाटर घर में मुँह हाथ धोने के लिए, नहाने के लिए, किचन के लिए और यूटिलिटीज हम पानी इस्तेमाल करते हैं, तो वर्ल्ड बैंक WHO की रिपोर्ट कहती है 2020 की के 2.1 बिलियन पीपल जो हैं वो रेडिली अवेलेबल सेफ वाटर से ऑब्वियस ही बात है वो दूर है, उनको वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही। अब ये बहुत बड़ी बात है कि 8 बिलियन लोगों में 2.1 बिलियन लोग तो वो हैं जिनको रेडिली अवेलेबल सेफ वाटर नहीं मिल रहा, अगर उनको वाटर एक्सेस करना है तो काफ़ी डिस्टेंस पे उनको पानी लेकर के लेने के लिए जाना पड़ता है और फिर वापस आना पड़ता है, और वो भी पानी सेफ वाटर नहीं होता, तो उससे फिर ऑब्वियस ही बात है जिल्द की बीमारियां भी आएंगी, स्टमक की बीमारियां, डिजीज भी आएंगी, इंटरनल ऑर्गन्स भी आपके डैमेज होंगे, तो आप फिर एक और विशियस साइकिल में चले जाएंगे, एक और विशियस सर्कल में चले जाएंगे। यानी न्यू लिबरल कैपिटलिस्ट जहां पे आपको डेवलपमेंट का एक धोखा देते हैं तो दूसरी तरफ उन्होंने आपकी ज़िंदगी इतनी अजीर्ण कर दी कि अब 2.1 बिलियन पीपल दुनिया के अंदर वो हैं जो रेडीली अवेलेबल वाटर को एक्सेस ही नहीं कर सकते, बल्कि पानी लेने के लिए उन्हें कई किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, और अक्सर ये वाली
जो स्टोरीज हम देखते हैं वो अफ्रीकन नेशंस में बहुत ज़्यादा हमें ये मिलती हैं। उसके साथ साथ वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट्स 2020 की कहती है कि 4.5 बिलियन पीपल लिव विदाउट सेफली मैनेज्ड सैनिटेशन। इसकी तो सबसे बड़ी मिसाल हमारे साथ मौजूद हमसाया मुल्क भारत है, जिसमें हम देखते हैं कि 70 करोड़ के करीब लोग वो हैं जिनके घर में वॉशरूम या लैट्रिन या कुछ ऐसा सिस्टम नहीं है, टॉयलेट नहीं है उनके पास, और फिर उनके घर में कोई ऐसा सैनिटेशन का निज़ाम भी नहीं है, उन मोहल्लों और गलियों में वो सैनिटेशन का निज़ाम नहीं है जहाँ से ये जो वेस्ट है ये एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करें, बड़े नाले तक पहुंच सकें। यानी इन अदर वर्ड्स ये भी कहा जा सकता है कि 4.5 बिलियन यानी 4.5 अरब लोग ऐसे भी दुनिया में रहते हैं जिनके पास आज दिन तक वो फैसिलिटीज़ नहीं हैं जिसको हम सैनिटेशन फैसिलिटी कहते हैं। तो फिर न्यू लिबरल इकोनॉमी ने क्या दिया? अब ये लोग भी कॉन्ट्रीब्यूट फिर कर रहे हैं इन अदर वर्ड ह्यूमन पोल्यूशन के अंदर। देखा ना, इंसान भी तो पोल्यूशन क्रिएट कर रहा है ना, तो जब आपकी सैनिटेशन की मैनेजमेंट ही नहीं है तो आप भी पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं, उससे फिर बीमारियां पैदा कर रहे हैं। अच्छा, इस एनवायरनमेंट में रहते हुए आप मुझे बताएं कौन सा ऐसा माइंडसेट है जो नॉर्म्स चॉम्स्की बन जाएगा, जो मेयर शेमर बन जाएगा, जो रॉबर्ट कोहेन बन जाएगा? ऐसा तो फिर इन ममालिक में बेहतरीन जहन भी नहीं आ सकते। अब जिनको बेसिक पानी रेडीली वाटर फैसिलिटी अगर 2.1 बिलियन पीपल के पास नहीं है, 4.5 बिलियन पीपल के पास सैनिटेशन फैसिलिटी नहीं है, तो उन्होंने तो रोटी कपड़े से बाहर नहीं निकलना, तो एजुकेशन कहाँ पे आएगी, हेल्थ कहाँ पे आएगी, डेवलपमेंट कहाँ पे आएगी? तो ये आपको न्यू लिबरल इकोनॉमी और न्यू लिबरल कैपिटलिज्म के मॉडल से एक और मॉडल भी आया होता है कि किस तरह बजाय डायरेक्ट फोर्सेस इंटरवीन करने के, जिसमें हम पुराने दौर में देखा करते थे 1945 से पहले, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कंक्लूड होने से पहले इंपीरियलिज्म का दौर था, तो अब ये इकोनॉमिक इंपीरियलिज्म हमें नज़र आया 1990 से लेके 2020 और 2021 आज तक, कि ये ऐसा इकोनॉमिक इंपीरियलिज्म है कि जहाँ पैसा भी चंद हाथों में चला गया, चंद लोगों के पास चला गया, किसी स्पेसिफिक मुल्क के लोगों के पास चला गया, दूसरी तरफ जो बेसिक फैसिलिटी थी जो स्टेट लेड डेवलपमेंट की वजह से उन लोगों को मिलनी मिलनी थी, क्योंकि न्यू लिबरल इकोनॉमिस्ट तो कहते हैं या वॉशिंगटन कंसेंसस में कहा जाता है कि स्टेट सब्सिडीज नहीं देगी, स्टेट डेवलपमेंट नहीं करेगी, स्टेट जो है वो डेफिसिट जो बजटिंग है उसकी तरफ नहीं जाएगी, स्टेट इंटरवीन नहीं करेगी, स्टेट वेलफेयर स्टेट नहीं रहेगी, क्योंकि न्यू लिबरल इकोनॉमिस्ट और न्यू लिबरल कैपिटलिस्ट का तो सबसे पहला मोटिव ही ये था कि वेलफेयर का कॉन्सेप्ट अब स्टेट के हाथ में नहीं, मार्केट लेड इकोनॉमिक डेवलपमेंट और मार्केट फोर्सेस डिसाइड करेंगी। तो भाई आइडियल सिचुएशन में अमेरिका, यूके, फ्रांस, इन जैसे ममालिक में या स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में या वेस्टर्न यूरोप के कंट्रीज में या कुछ हद तक 1970s के बाद मिडिल ईस्ट में, जहां पर बहुत ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस होने शुरू हो गया, अल्टरनेटिव उनके पास सोर्सेज ऑफ इनकम आ गए, वहां पर तो ये पॉलिसीज कहीं ना हमें नजर आती हैं बेहतर या कुछ ना कुछ दे सकती हैं। लेकिन ऐसे ममालिक जिनके पास वो बेसिक रिक्वायरमेंट्स ही नहीं है, उनके साथ तो आप एक बहुत बड़ा धोखा कर रहे हैं और उनको डिसीव कर रहे हैं। तो मैं तो अपनी नज़र में इसको इकोनॉमिक इंपीरियलिज्म भी कहूंगा, बींग अ स्टूडेंट ऑफ पोलिटिकल इकोनॉमी, कि ये एक डिजाइंड इकोनॉमिक इंपीरियलिज्म रहा। अब हिस्ट्री से कुछ देखते हैं जी कि हिस्टोरिकली इसको किस किस मुल्क ने न्यू लिबरल इकोनॉमी को और इनकी जो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन की पॉलिसीज हैं और एनवायरमेंटल नॉन फ्रेंडली इंडस्ट्री जो है, किस किस मुल्क ने इसको सपोर्ट किया? तो उसमें हमें जी अमेरिका नज़र आता है जिसकी कार्बन एमिशन बहुत ज़्यादा है, चाइना नज़र आता है जिसकी कार्बन एमिशन बहुत ज़्यादा है, और हमें इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से एक दूसरे के कंपेटिटर तो नज़र आते हैं, बट कुछ ऐसी पॉलिसीज़ हैं जो इन इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टेट्स और इन ममालिक के हक में गई, उसके लिए इन ममालिक ने एक दूसरे को कहीं ना कहीं सपोर्ट किया। इस तरह क्योटो प्रोटोकॉल 1992 से ऑनवर्ड आपने जितना देखा उसकी स्ट्रेट फॉरवर्ड वायलेशन की गई, लेकिन उसके ऊपर कोई इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल वायलेशन, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, कोई ऐसी डिबेट हमें आज दुनिया में नजर आती। ऑन द अदर साइड बेशक चाइना एक स्टेट लेड इकॉनमी के वजह से परवान चढ़ा, लेकिन फिर भी वहाँ पर भी तो इंडस्ट्री ही लगी ना, उस इंडस्ट्री ने जिस तरह अमेरिका, वेस्टर्न यूरोप, यूरोप और उसके अलावा इधर एशिया के अंदर उस इंडस्ट्री ने इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन की, तो उसी तरह चाइना भी उसका कंट्रीब्यूटर है।
अब व्हाट न्यू लिबरल कैपिटलिस्ट प्रमोटेड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने न्यू लिबरल कैपिटलिज्म का कॉन्सेप्ट तो काफी हद तक डिटेल में अंडरस्टैंड पहले भी किया था, आज भी मैंने किया, फिर एनवायरमेंटल डिक्लाइन न्यू लिबरल कैपिटलिज्म की वजह से क्यों आया, और अब मैं आपको बताता हूँ कि व्हाट न्यू लिबरल कैपिटलिस्ट प्रमोट और क्रिएटेड, कौन सा कल्चर उन्होंने क्रिएट किया और क्या चीज उन्होंने प्रमोट करने की कोशिश की। तो नंबर वन, उनका मानना यह है कि हमने ग्रोइंग मिडिल क्लास पैदा की है। न्यू लिबरल कैपिटलिस्ट कहते हैं कि 1990 से लेकर 2020 तक की अगर रेशियोज या परसेंटेजेस देखी जाए, स्टैटिस्टिक्स देखे जाए, तो ये पता चलता है कि ग्रोइंग मिडिल क्लास आई है, एक नई मिडिल क्लास इमर्ज की है। अब अगर आप ये स्टैटिस्टिक्स इंडिविजुअली रीजन वाइज और कंट्री वाइज देखेंगे तो यहाँ पर जो मिडिल क्लास इमर्ज हुई है या वो अमेरिका में ज़्यादा इमर्ज हुई है या काफ़ी हद तक वेस्टर्न यूरोप में आपको नजर आएगी, या फिर कुछ ऐसे ममालिक हैं जहाँ स्टेट लेड इकोनॉमी थी, ईस्ट एशिया में आपको नज़र आ जाएगी, कुछ हद तक आपको चाइना जापान में नज़र आएगी जो कि ऊपर की तरफ आए, हाँ भारत के अंदर भी आपको मिडिल क्लास इमर्ज होती नज़र आती है, लेकिन कंपैरेटिवली जो अंडर डेवलप नेशंस थे वहाँ तो पावर्टी जो लाइन के नीचे वाली खते गुर्बत से नीचे के जो लोग थे वो ही इंक्रीज हुए हैं, वहाँ क्राइम ही इंक्रीज हुआ है, वहाँ पर सोशल इनइक्वलिटी इंक्रीज हुई है, वहाँ पर फाइनेंशियल और सोशल लेवल पर स्ट्रेटिफिकेशन लेयर्स इंक्रीज हुई है। एक दौर होता था अपर क्लास होती थी, मिडिल क्लास होती थी, पुअर क्लास होती थी, अब तो पुअर क्लास में भी पुअर क्लास है, पावर्टी लाइन से नीचे वाला है, एक वो पुअर है जो सिंपल पुअर है, अपर पुअर है, फिर मिडिल क्लास के भी तीन लेयर्स हैं, मिडिल लोअर मिडिल क्लास, मिडिल मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, फिर एलीट में तीन लेयर्स हैं। तो इन ममालिक में तो जो ग्रोथ है उस तरह से मिडिल क्लास की नहीं हुई, और जो मिडिल क्लास ग्रो की वो तो वेस्ट में कर गई। दूसरी बात, न्यू लिबरल कैपिटलिस्ट का मानना ये है कि रैपिड अर्बनाइजेशन हुई है, इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट हुई, इतनी ज़्यादा तरक्की हुई कि रूरल एरियाज जो थे वहाँ तक सड़कें पहुँचाई गई और रूरल अर्बनाइजेशन की गई, यानी रूरल जो एरियाज थे वहाँ पर इंडस्ट्री से लोगों के पास पैसा आया, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बने, कुछ हद तक प्राइवेट सेक्टर वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन और फिलैंथ्रोपिस्ट एक्टिविटीज़ हुई, लोग डिवेलप हुए, तो ज़्यादा से ज़्यादा शहरीत आई और अर्बनाइजेशन आई। अच्छा, अब इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि लोगों का जो ट्रेंड है, न्यू लिबरल कैपिटलिस्ट कहते हैं मोर कंजम्पशन ओरिएंटेड सोसाइटी हमारे सामने आई, यानी लोग हमें ऐसे मिले कि जो ज़्यादा कंज्यूम करना चाहते हैं, तो जब लोग कंज्यूम करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली बात है उसके लिए कहीं ना कहीं प्रोडक्टिविटी भी होनी चाहिए, जैसे लैपटॉप कंज्यूम हो रहे हैं, मोबाइल कंज्यूम हो रहे हैं, और आपके जो रूटीन लाइफ की एक्टिविटीज़ हैं उसमें आपने कंजम्पशन बिहेवियर ज़्यादा नज़र आया। इंक्रीजिंग ऑटोमेशन एंड फिनिश प्रोडक्ट्स यूसेज, न्यू लिबरल कैपिटलिस्ट कहते हैं कि इन 30 सालों में जो हमने बेहतर काम किया वो हमने ये किया कि ऑटोमेशन की तरफ चीज़ों को लेके आए, डिजिटाइजेशन की तरफ लेके आए, ई कॉमर्स की तरफ लेके आए, और ज़्यादा से ज़्यादा जो लोगों का यूसेज है वो फिनिश प्रोडक्ट्स की तरफ हुआ, और लोग ज़्यादा से ज़्यादा रॉ मटेरियल से रेलेवेंट अगर फिनिश प्रोडक्ट्स की तरफ आप जाए तो उसकी तरफ ज़्यादा लोग आप समझ लें ट्रेंड उसमें ज़्यादा आया, और उस ट्रेंड की वजह से जो सेंस ऑफ इंडस्ट्री है वो प्रिवेल की, आम ममालिक में भी लोगों ने इंडस्ट्री को जो प्रमोट करने के जितने भी अपॉर्चुनिटीज़ थी, जितने भी ज़राए थे, उसके लोगों ने हमायत की। दूसरी एक और बात करते हैं कि एक्सेसिव यूज़ ऑफ पर्सनल ऑटो मोबाइल्स होना शुरू हुआ। ये एक बड़ी अजीब सी बात है कि अगर आप डेवलपिंग नेशंस में भी देखें तो उस तरह से पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन इस्तेमाल नहीं की जाती, बल्कि पर्सनल व्हीकल्स का, ऑटोमोबाइल्स का इस्तेमाल होता है। अब अगर ये वाली अचीवमेंट्स न्यू लिबरल इकोनॉमी की हम देखते हैं या न्यू लिबरल कैपिटलिज्म की देखते हैं तो ये फिर ऑन द अदर साइड ऑफ द जो आप क्वाइन देखते हैं तो फिर भी इन्होंने इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन की, क्योंकि जितनी ज़्यादा कंज्यूमर बेस्ड कंजम्पशन बेस्ड इकॉनमी आप बनाएंगे, जितनी ज़्यादा कंजम्पशन का आप प्रेफरेंसेस और ट्रेंड्स बनाएंगे तो उससे क्या होगा, जब जितना ज़्यादा आप कंज्यूम करेंगे उतना ज़्यादा ही आप गार्बेज प्रोड्यूस करेंगे, जितना ज़्यादा आप ऑटोमोबाइल पर्सनलाइज करेंगे, हर बंदा अपनी गाड़ी पे जा रहा है और जितनी आवाम है उसके 50% लोगों के पास अपनी पर्सनल व्हीकल है और वो प्रेफर करते हैं, और पब्लिक सेक्टर ट्रांसपोर्टेशन है नहीं क्योंकि न्यू लिबरल इकोनॉमी है कि प्राइवेट हाथों में सब कुछ है, तो वो फिर इस तरह के कल्चर जब प्रमोट होंगे तो एयर पोल्यूशन भी बढ़ेगी और साउंड पोल्यूशन भी बढ़ेगी, डिजीज भी बढ़ेगी।
अब इसका एक नुकसान और भी हुआ, जो अपनी अचीवमेंट बताते हैं ना न्यू लिबरल इकोनॉमिस्ट या कैपिटलिस्ट, इनका जो एक तो नुकसान मैंने आपको बताया कि एयर पोल्यूशन बढ़ना शुरू हो गई, उसके साथ साथ ह्यूमन ने जो गार्बेज प्रोड्यूस किया, जो पोल्यूशन प्रोड्यूस की, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी हुई जिसकी अभी हमने बात की, मरीन लाइफ काफ़ी हद तक नुकसान उसको हुआ। अब ये जो न्यू लिबरल कैपिटलिज्म है, न्यू लिबरल इकोनॉमी है, उनके बारे में एक और क्रिटिसिज्म भी किया जाता है कि ये फेल रहे हैं, ये इस 18-20 या 25-30 साल के अरसे में उस तरह से ग्रो नहीं कर सके या उस तरह से वो पॉलिसी नहीं दे सके जिससे दुनिया जो है वो बेहतरी की तरफ जाए, रादर देन चंद हाथों में अकोमोडेशन ऑफ मनी हुई, चंद मुल्कों में या चंद इंडस्ट्रीज ने ही सिर्फ ग्रो किया। फॉर एग्जाम्पल, इनके ऊपर एक क्रिटिसिज्म दिया जाता है कि ग्रोथ एंड स्ट्रैटेजी ये साइड बाय साइड चलते हैं, यानी आप एक स्ट्रैटेजी डिज़ाइन करते हैं जब आप मार्केट लेड इकॉनमी के हाथ में सब चीज़ें देते हैं, मार्केट के हाथ में चीज़ें दे देते हैं, प्राइवेटाइजेशन की तरफ चले जाते हैं, डीरेगुलाइजेशन की तरफ, लिबरलाइजेशन की तरफ जाते हैं, तो उस स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंगली आप ग्रोथ की तरफ भी जाते हैं, लेकिन कोई खातर खा ग्रोथ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में देखने को नहीं मिली। नंबर टू, कोई खास ऐसी प्राइवेट इंडस्ट्रियल पॉलिसी नहीं हमारे सामने आई जिसमें जो सोसाइटी में बैलेंस क्रिएट कर सके, यानी इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज हो, बल्कि कहा यह जाने लगा कि काफ़ी हद तक इस कैपिटलिस्टिक इकॉनमी ने जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट की वो काफ़ी हद तक एक्सप्लाइटेटिव एम्प्लॉयमेंट थी, यानी लोगों को पैसे और तनख्वाह तो मिल रही है लेकिन उनको कुछ ऐसे टारगेट्स दिए जा रहे हैं, उनका जो सेलिंग बिहेवियर इस तरह का बनाया जा रहा है जिससे लोगों को तनख्वाह तो मिली लेकिन कैपिटलिस्ट ने उनसे जो काम लिया वो उनकी तनख्वाह से कहीं ज़्यादा था। तो कोई खास इंडस्ट्रियल पॉलिसी नहीं आई, क्योंकि सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए इंडस्ट्री की रेलेवेंस होनी चाहिए सोसाइटी के साथ, सोशल सेक्टर डेवलपमेंट के साथ, और फिर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए क्या किया गया। तो न्यू लिबरल कैपिटलिज्म ने इसमें भी कोई खास नहीं है। इनइक्वलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ी और ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता इसने बहुत बड़ा गल्फ क्रिएट कर दिया। जिस तरह मैंने अभी शुरू में आपको कहा कि एक रिपोर्ट के मुताबिक 2018 में बताया जाता है कि 26 लोग जो है दुनिया के इतने अमीर तरीन है कि हाफ ऑफ द पॉपुलेशन के पास वो रिसोर्सेज उन 26 लोगों के पास है और उन 26 में से भी 80% लोग अमेरिकन हैं। अब फाइनेंस और मॉनेटरी पॉलिसी जो थी वो इनकी इफेक्टिव नहीं रही। वो क्यों नहीं रही, उसकी तो सबसे बड़ी एग्जांपल हमारे सामने जो हम प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस भी कर चुके हैं, जिसकी वजह से रिटर्न टू स्टेट लेड इकॉनमी या स्टेट लेड डेवलपमेंट की तरफ अमेरिका और वेस्ट आया था, जिसको हम बोलते हैं 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस। देखिए, अगर आपकी फाइनेंशियल एंड मॉनेटरी पॉलिसी इतनी अच्छी थी तो फिर वो बबल ब्रस्ट क्यों हुआ, इकॉनमी बैठ क्यों गई, उन प्राइवेट एंटरप्राइजेज और प्राइवेट जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस थे उन्होंने बेल आउट पैकेजेस क्यों मांगे, उन्होंने क्यों कहा कि रियासत जो है वो आके हमारी मदद करे। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो इनके ऊपर न्यू लिबरल इकॉनमी पे क्रिटिसिज्म किया जाता है, उनकी एनवायरमेंट पॉलिसी के ऊपर किया जाता है कि किसी भी लेवल पर इनकी कोई ऐसी पॉलिसी नहीं थी जो एनवायरमेंट फ्रेंडली रहे, इको फ्रेंडली रहे। अब हम थोड़ा सा देखेंगे जी ग्रीन कैपिटलिज्म या इको कैपिटलिज्म क्या होता है। तो अजान हो रही है मेरे पास इस वक्त, तो ऑनलाइन सबने रहना है, हम अजान सुनते हैं इंशाल्लाह अजान के बाद फिर ग्रीन कैपिटलिज्म या इको कैपिटलिज्म जो हमारा लास्ट टॉपिक है इसको डिस्कस करेंगे। Thank you.
चलें जी बिस्मिल्लाह करते हैं जी। ग्रीन कैपिटलिज्म और इको कैपिटलिज्म क्या है, जिस तरह आज हमने अपने लेक्चर में डिटेल में सबसे पहले तो न्यू लिबरल कैपिटलिज्म या न्यू लिबरल इकोनॉमी वाशिंगटन कंसेंसस को थोड़ी डिबेट को मैंने रिवाइज किया आप लोगों के लिए चले रिफ्रेश हुआ, फिर इन्वायरमेंटल डिक्लाइन इसकी वजह से किस तरह हुआ मैंने डिटेल आपके साथ कुछ इंटरनेशनल इदारा जिसमें IPCC है WHO इनकी रिपोर्ट्स शेयर की। अब हम आपको थोड़ा सा फिर इसके बाद इसका क्रिटिसिज्म भी किया। अब हम बात करेंगे व्हाट इज ग्रीन कैपिटलिज्म और इको कैपिटलिज्म, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। ग्रीन कैपिटलिज्म क्या है, 1960s एंड 1970s में गैरेट हार्डन नामी एक शख्स था, उसने एक कॉन्सेप्ट दिया। बेसिकली वो तो माल्थस के कॉन्सेप्ट्स या माल्थस की जो सोशियोलॉजी की थ्योरी है पॉपुलेशन कंट्रोल से रिलेटेड, उसने उसके ऊपर आर्ग्यूमेंट देते हुए ये बात की। लेकिन उस बात पे जाने से पहले मैं थोड़ा सा ग्रीन कैपिटलिज्म या इको कैपिटलिज्म की बैकग्राउंड आपको बताता हूँ कि कुछ इकोनॉमिस्ट का मानना ये है कि जिस दुनिया में हम रह रहे हैं, ये जो नेचर हमारे इर्द गिर्द है, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ये बेसिकली हमारा नेचुरल कैपिटल है। इस तरह किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए पैसा लगाना पड़ता है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। इसी तरह हमारे इर्द गिर्द जो प्लैनेट अर्थ है, इस प्लैनेट पर ये जो फ्लोरा फोना है, जो ट्रीज हैं, जो एनवायरनमेंट है, जो नदियां हैं, जो ग्लेशियर्स हैं, जो वाटर टेरेन्स हमें डिफरेंट किस्म की टफ माउंटेन टेरेन्स नज़र आती हैं, वाटर स्ट्रेट्स नज़र आती हैं, उसके साथ साथ और भी नेचुरल ब्यूटी नज़र आती है, एनवायरनमेंट नज़र आता है, इकोसिस्टम में आपको एनिमल प्लांट्स लिविंग नॉन लिविंग का एक कम्बिनेशन नज़र आता है, कहा जाता था इट इज नेचुरल कैपिटल इकोसिस्टम ऑन विच ऑल वेल्थ डिपेंड्स। तो आप खुद अंदाजा लगाएं कि अगर ये नेचुरल कैपिटल ही लूज कर देंगे हम, एनवायरनमेंट डिग्रेड हो जाएगा, हालात खराब हो जाएंगे, सुनामीज आएंगे, अर्थक्वेक्स आएंगे, एनवायरमेंटल शिफ्ट हो जाएगी, क्लाइमेट चेंज आ जाएगा बहुत ज़्यादा, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा राइज कर जाएगा, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, हर जगह पे कंज्यूमर बिहेवियर ज़्यादा प्रमोट हो जाएगा, पर्सनल जो यूटिलिटी यूसेज और फैसिलिटी है उस तरफ दुनिया बहुत ज़्यादा चली जाएगी, तो बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री लगेगी, तो हर चीज़ तबाही की तरफ जाएगी। तो जो ग्रीन कैपिटलिस्ट है उन्होंने कहा कि हमें इस जो नेचर है, जो नेचुरल कैपिटलिस्ट है, इसको बचाने की ज़रूरत है। अब इसके बारे में ग्रीन कैपिटलिस्ट ने एक 1960s एंड 70s में, ये वही दौर है जब न्यू इकोनॉमिक लिबरल फिलॉसफी हमारे सामने आई है, या इकोनॉमिक लिबरलिज्म, न्यू इकोनॉमिक लिबरलिज्म या न्यू लिबरल कैपिटलिज्म हमारे सामने आया, तो उसी दौर में ये जो ग्रीन कैपिटलिस्ट के थेरिस्ट थे वो भी इमर्ज किए। इनका क्या मानना है, गैरेट हार्डन ने कहा कि ओवर पॉपुलेशन जो है ना, ओवर पॉपुलेशन उसको कैसे कवर किया जाए। अब ऑब्वियस ही बात है, ओवर पॉपुलेशन को कवर करने के लिए स्टेट जो है उसको अपने रिसोर्सेज यूज करने पड़ेंगे, लोगों को समझाना पड़ेगा। गैरेट हार्डन का मानना ये था कि उसने कहा बिल्कुल ऐसा कुछ ना करें, बल्कि आप एक काम करें, आप जो बड़े बड़े ममालिक जो वेलफेयर के नाम पे रियासत चला रहे हैं, जिसमें अगर किसी के बच्चे ज़्यादा हैं उनको एक्स्ट्रा एजुकेशन दी जा रही है, जिस तरह अभी भी हम देखते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर, जो सोशल सिक्योरिटी के नाम पर UK में, अमेरिका में, कनाडा में और बड़े डेवलप कंट्रीज़ में जब किसी की चाइल्ड बर्थ होती है और टिल द एज ऑफ प्यूबर्टी या टिल द एज ऑफ एडल्ट 18 ईयर्स तक बच्चा बच्ची पहुंचता है, तो उसकी एजुकेशन, उसकी हेल्थ, उसकी बहुत सी चीज़ें अगर पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते तो स्टेट उसको फंड कर देती है। तो उसने कहा ये जो वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट है ना, गार्नर ने कहा, गैरेट हार्डन ने कहा, उसने कहा इसको रियासतें ख़त्म कर दें, रियासतें मार्केट लेड इकॉनमी लेके आए। अब होगा क्या कि लोग बच्चा पैदा करने से पहले या अपनी पॉपुलेशन इन्हांस करने से पहले खुद सोचेंगे भाई इसको पालना भी खुद है, इसकी एजुकेशन भी खुद करनी है, और हमारे जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो मीट शायद कर ना सकें। और यही कल्चर आप पाकिस्तान इंडिया में भी देखते हैं, दो बच्चे सबसे अच्छे, अब वो ये क्या कल्चर है कि या बच्चों में वक्फा या आप उनकी परवरिश कैसे करेंगे, क्योंकि रियासत तो आपको कुछ दे नहीं रही। तो आप अगर बादी नज़र में देखें, अपने चश्मे तखयुल में देखें, तो हमें अब थोड़ी सी ये बातें खुल के करने की ज़रूरत है कि क्यों स्टेट जो है वो फैसिलिटीज़ वेलफेयर के नाम पे, हमारी रियासत भी वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं कर रही जिसमें हेल्थ है, सैनिटेशन है, एजुकेशन है, पब्लिक सेक्टर में जो होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो इस
ट्रेंड को डिस्करेज कर रहे हैं जो कि अमेरिका में गैरेट हार्डन ने एक थ्योरी के थ्रू प्रमोट किया कि जब लोग इस वेलफेयर स्टेट के कॉन्सेप्ट से बाहर आ जाएंगे और मार्केट लेड इकोनॉमी होगी, मार्केट फोर्सेस इकोनॉमी को कंट्रोल करेंगी, तो फिर लोगों को ऑब्वियसली बात है उस कंपेटिटिव एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट करने के लिए, सस्टेन करने के लिए रिसोर्सेज की जरूरत होगी, तो वो अपने रिसोर्सेज उतने ही रखेंगे जितनी उनकी इनकम होगी, तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे जो पॉपुलेशन है वो कंट्रोल होगी। और काफ़ी हद तक वेस्ट के अंदर ये कल्चर आया, गो के चाइना ने स्टेट लेड इकॉनमी थी उनकी तो एक वन चाइल्ड पॉलिसी थी वो भी नज़र आती है, लेकिन गार्डनर की ये चीज़ें हमें काफ़ी हद तक नज़र आई कि वेलफेयर स्टेट की प्रोविजन जो हैं उसको विड्रॉ कर लिया जाए, फिर लोग जो हैं वो अपनी इनकम के अकॉर्डिंगली ही अपने एक्सपेंडिचर करेंगे और उसके अकॉर्डिंगली आपकी पॉपुलेशन होगी, तो पॉपुलेशन ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएगी। इसका एक बहुत बड़ा नुकसान ये हुआ वेस्ट को, जो आज के दौर में वेस्ट को नुकसान है कि आप अगर उनकी मिडिल एजिस की पॉपुलेशन देखें और चिल्ड्रन उनमें देखें और हायर एजेस की पॉपुलेशन देखें, तो मोर देन 60% वहाँ पर वो लोग हैं जो 60 साल की उम्र से ज़्यादा है। तो ऑब्वियसली बात है जनरेशन गैप ही इतना ज़्यादा आ गया, या लोगों के ज़्यादा बच्चे नहीं हुए, या जो हुए नेचुरली लोग मर भी जाते हैं, बीमारी से मर जाते हैं, एक्सीडेंट से मर जाते हैं, जब आपके होंगे एक और दो या एक दो ही होंगे तो फिर सर्वाइवल रेट भी उसके अकॉर्डिंगली होगा, फिर उसमें से हर एक बंदा तो डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर नहीं बन सकता, तो ये भी बड़े मसाइल हैं। तो इसलिए आपको देखने को मिलता है कि अमेरिका हो गया, यूके हो गया, वहाँ पे ज़्यादातर आपको एशियंस मिलते हैं, अरब्स मिलते हैं, मिडिल ईस्ट और अफ्रीकन मिलते हैं, तो क्यों इन ममालिक में इस तरह का सिलसिला नहीं था। अच्छा, जो गैरेट हार्डन की थ्योरी है ये बेसिकली इसलिए भी दी गई कि ये मानता था कि जो ग्रीन कैपिटलिज्म है उसको प्रमोट करने के लिए हमें पॉपुलेशन को कंट्रोल करना चाहिए, यानी नेचुरल रिसोर्सेज को या नेचुरल कैपिटलिज्म को रिटेन रखने के लिए हमें पॉपुलेशन को कंट्रोल करना पड़ेगा। और दूसरी इसने एक बड़ी खूबसूरत बात की, इसने ये कहा कि हम क्यों ना ऐसा काम करें कि हम एक पॉलिसी बनाएं जो कि गवर्नमेंट जिसको रेगुलेट करे, और वो पॉलिसी क्या है कि मार्केट बेस्ड ऐसी पॉलिसी बना दी जाए हुकूमत वक्त की तरफ से कि जिसमें वो तमाम इंडस्ट्रीज, वो तमाम एक्टिविटीज़ जो इन्वायरमेंट को डैमेज करती हैं उनके अगेंस्ट कोई सख्त किस्म की स्टेट लेवल पर लेजिस्लेशन कर दी जाए। फॉर एग्जांपल जिस तरह इन्होंने सजेस्ट किया कि गवर्नमेंट को चाहिए कार्बन टैक्सेशन कर दे, क्योंकि ऑब्वियसली बात है पॉपुलेशन तो उन्होंने कहा न्यू लिबरल इकोनॉमी का ही जो मॉडल है इसके अकॉर्डिंगली वैसे कंट्रोल होना शुरू हो जाएगी, कोई इतना बड़ा इसका इशू नहीं है, लेकिन जो इंडस्ट्री है वो भी तो हैजर्ड क्रिएट कर रही है ना एनवायरनमेंट के लिए, तो इंडस्ट्री को क्या किया जाए कार्बन टैक्सेशन कर दिया जाए। अब जब कार्बन टैक्सेशन होगा, मार्केट बेस्ड इस तरह की पॉलिसीज बनाएगी रियासत के इस सेगमेंट में अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको इस चीज़ के अगेंस्ट ये टैक्स पे करना पड़ेगा, नहीं तो आप इन्वायरमेंटल फ्रेंडली इंडस्ट्री लगाएं, जिसमें ये कहते हैं ग्रीन कैपिटलिस्ट कहते हैं कि जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस या एम्फोसिस दिया गया वो ग्रीन टैक्सेस के ऊपर दिया गया, फिर अल्टरनेटिव रिसोर्सेज के ऊपर दिया गया, यानी वो एनर्जी जो अल्टरनेटिव रिसोर्सेज से जनरेट की जाती है उसको यूटिलाइज किया जाए रादर देन फॉसिल फ्यूल को यूटिलाइज किया जाए, क्योंकि जितना ज़्यादा फॉसिल फ्यूल यूज करेंगे, एक तो फॉसिल फ्यूल जो है वो वन टाइम यूज़ होता है, बाद में हज़ारों साल लगते हैं उसको दोबारा एक नेचुरल प्रोसेस के थ्रू रीजनरेट होने के लिए, तो इसको नॉर्मली नॉन रिन्यूएबल एनर्जी कहा जाता है। दूसरा, इससे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन फैलती है, और तीसरा इसकी जो पूरी दुनिया में सप्लाई चेन का निज़ाम है वो भी अनप्रिडिक्टेबल है, रेट्स ऊपर नीचे जाते हैं, तो उसकी वजह से जो इंडस्ट्री है उसकी जो कॉस्टिंग है किसी भी चीज़ को फाइनल फिनिश गुड्स तक बनाने तक के लिए जो उसकी उस पर कॉस्ट एक्सपेंस आ जाता है वो भी ऊपर नीचे हो जाता है, कम ज़्यादा होता है, तो बाज का मार्केट कंपेटिटिव नहीं रहती। तो जब आप रीन्यूएबल एनर्जी पे आएंगे, अल्टरनेटिव एनर्जी पे आएंगे, तो उसके दो फायदे होंगे। पहला फ़ायदा ये होगा कि वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली एनर्जी होगी, जो कि ग्रीन कैपिटलिस्ट का कहना है, और दूसरी फ़ायदा ये होगा कि चूंकि रीन्यूएबल एनर्जी है तो उसकी अवेलेबिलिटी कॉन्टीन्यूली आपको मिलती रहेगी, उसमें कोई खास मोनोपोली नहीं होगी। जिस तरह आप सोलर एनर्जी को देखते हैं, विंड एनर्जी को देखते हैं, जियोथर्मल एनर्जी को देखते हैं, यहाँ तक कि न्यूक्लियर एनर्जी को हम देखते हैं, टाइडल एनर्जी को हम देखते हैं, तो ये सारी की सारी रीन्यूएबल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हैं, तो इंडस्ट्री इसके ऊपर शिफ्ट कर दी जाए।
ग्रीन टेक्नोलॉजी भी बेसिकली इसको कहा जाता है। ग्रीन टेक्नोलॉजी में ऑटोमोबाइल्स भी आ जाती हैं, आपकी गाड़ियां आ जाती हैं। हमने देखा कि पिछले 15-20 साल में पाकिस्तान जैसे मुल्क में भी टू स्ट्रोक इंजन, चाहे वो रक्षे के अंदर थे, चाहे वो मोटर बाइक के अंदर थे, चाहे वो गाड़ियों के, बड़ी गाड़ियों के डीजल इंजन थे, उनको काफ़ी हद तक रिजेक्ट किया गया या नापसंद किया गया रियासत की तरफ से। और रियासत ने क्या किया कि कुछ ऐसे टैक्सेशन लगा दिए कि इनकी प्रोडक्शन कम हो, कम से कम इसकी यूटिलाइजेशन हो, और अल्टरनेटिव एनर्जी, जिस तरह हम मुशर्रफ दौर में सीएनजी रिक्शे के ऊपर आ गए, फोर स्ट्रोक मोटर बाइक्स के ऊपर आ गए, अभी तो हाईली एफिशिएंट फ्यूल्स कार्स हमारे पास हैं, यूरो 2, यूरो 3, यूरो 4 EFI कार्स हैं। इस वक्त हाइब्रिड गाड़ियां भी हमारे पास मौजूद हैं जिसमें बैटरी भी इस्तेमाल होती है, 60 की स्पीड से अगर आप ऊपर जाते हैं तो फिर कहीं ना कहीं आपको फ्यूल भी उसका हाइब्रिड ड्यूल मोड आपको मिल जाता है, सोलर उसके ऊपर शीट लगी होती है। तो कहीं ना कहीं हमें नज़र आता है के काफ़ी हद तक ये जो ग्रीन कैपिटलिस्ट थे, इनकी कुछ इम्पॉर्टेंट जो सजेशंस थी उनको मुल्कों ने माना। क्यों? क्योंकि इनका जो थीसिस था वो यही था कि जिस दुनिया में हम रह रहे हैं, ये जो नेचुरल कैपिटल है, यही असल कैपिटल है। अगर ये हमने लॉस कर दिया, ये हमने इसको नुकसान पहुंचा दिया, बायोडाइवर्सिटी ख़त्म कर दी, मैरीन लाइफ हमारी ख़राब हो गई, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो गई, तो फिर जो भी आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर लें उसके बरक्स जो मैनकाइंड को डैमेज है वो बहुत ज़्यादा होगा। इसके साथ साथ इन्होंने इको कॉन्शियस शॉपिंग, एक ट्रेंड वेस्ट में आता है, पाकिस्तान में तो ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में आप 6-8 महीने से देख रहे हैं कि आप गोरमे पे जाएं, किसी और पे जाएं, मालमो पे या कोई और जितने भी ये बेकरीज बनी हुई हैं, वहाँ पे आपको अपने गत्ते वो कागज़ का या वो कपड़े का एक थैला साथ खरीदना पड़ता है, और बहुत सी और जगहों पे भी इन्होंने शॉपिंग बैग को काफ़ी हद तक मना किया है। तो इस तरह की एक इको फ्रेंडली शॉपिंग भी होती है जो वेस्ट में है, यानी वो तमाम चीज़ें डिस्काउंट पे मिलती हैं, स्पेशली अमेरिका और वेस्टर्न यूरोप में, जो कि इको फ्रेंडली होती हैं। और रादर देन जो इको फ्रेंडली नहीं होती, उनके रेट्स या उन पे हैवी टैक्सेस लगा दिए जाते हैं। और कुछ मुल्क तो ऐसे हैं कि जो इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स के अलावा दूसरी प्रोडक्ट्स के इम्पोर्ट के ऊपर भी बहुत ज़्यादा बैरियर लगा देते हैं उनकी ये पॉलिसीज हैं। अब डिपेंडेंस ऑन रिन्यूएबल एनर्जी, मैंने आपसे पहले बात की, प्लांटेशन, ग्रीन सर्टिफिकेशन एंड अदर इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस। तो ये है ओवरऑल ग्रीन कैपिटलिज्म या इको कैपिटलिज्म। लेकिन आज के दौर में, आज के दिन में, इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म आपको एकेडेमिया में मिल जाएगा, स्पेसिफिकली अमेरिकन एकेडेमिया में आपको रिसेंट बहुत अच्छे रिसर्च आर्टिकल मिलेंगे जो ये कहते हैं कि जो ग्रीन कैपिटलिज्म है, इट इज़ सम हाउ द अदर फेस ऑफ अ न्यू लिबरल कैपिटलिज्म। क्योंकि ग्रीन कैपिटलिज्म ने माइक्रो लेवल पर तो बहुत सी प्रोविजन्स के ऊपर सख्ती लाने का कहा मुल्कों को, रियासतों को, लेकिन मैक्रो लेवल पर जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है उसमें अमेरिका को देख लें, चाइना को देख लें, और बड़ी इंडस्ट्रियलाइज्ड रियासतों को देख लें, इवन हमारे हमसाया मुल्क भारत को देख लें, तो उनके लिए कोई ख़ास ऐसी लेजिस्लेशन नहीं है, बल्कि मॉरल गाइडलाइंस ही दी जाती हैं WHO की तरफ से और बाकी कंसर्न्ड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस की तरफ से। तो ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट क्रिटिसिज्म है जो कि आज के इस दौर में हमें देखने को मिलता है ग्रीन कैपिटलिज्म के ऊपर। तो कहीं ना कहीं कहा जाता है कि जो ग्रीन कैपिटलिज्म है वो भी सक्सेसफुल नहीं रहा उस तरह से इन्वायरमेंट फ्रेंडली इकोनॉमिक एक्टिविटी को जनरेट करने के लिए। तो आज के इस लेक्चर को जब सम अप हम करेंगे, तो हमने न्यू लिबरल कैपिटलिज्म और उसके वाइसेज या उसके नुकसानात के ऊपर डिटेल में इंटरनेशनल रिपोर्ट्स को अंडरस्टैंड किया, न्यू लिबरल कैपिटलिज्म क्या क्या चीज़ों को प्रमोट किया, क्या नए कॉन्सेप्ट्स क्रिएट किए और क्या उसका क्रिटिसिज्म था, और उसके साथ साथ जो ग्रीन कैपिटलिज्म या इको कैपिटलिज्म है इसके कॉन्सेप्ट्स को हमने अंडरस्टैंड किया। एक बात याद रखिएगा, बाय सम हाउ दुनिया जो है कन्वीनियंटली जो ग्रीन कैपिटलिस्ट की प्रोविजंस हैं या जो इनकी आप समझ लें सजेशंस जो हैं या इन्होंने जो सीलिएंट फीचर्स दिए हैं दुनिया को बेहतर बनाने के लिए या एनवायरनमेंट फ्रेंडली एनवायरनमेंट पैदा करने के लिए, इसके ऊपर काफ़ी हद तक
सीरियसली दुनिया में लेजिस्लेशन का सोचा जा रहा है। पाकिस्तान जैसे मुल्क में आप देख लें कि पिछले साल और इस साल भी जो शहरों के गिर्दोनवा में ईंटों के भट्टे हम देखते हैं, उनको ज़िगज़ैग जो टेक्नोलॉजी पे इन्होंने शिफ्ट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा जोर दिया हुआ है। इसके अलावा आप अगर लाहौर से बाहर इंडस्ट्रियल स्टेट्स की तरफ जाते हैं, शेखुपुरा की तरफ ट्रैवल करते हैं और जगहों पे जाते हैं तो आप देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा सख्त किस्म की पॉलिसीज अपनाई जाती हैं और काफ़ी हद तक कार्बन इमिशन पे कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। बट जो हमने नुकसान एनवायरनमेंट को कलेक्टिवली दिया और ज़्यादातर पाकिस्तान जैसे छोटे मुल्क ने नहीं बल्कि बड़ी इंडस्ट्रियलाइज स्टेट्स ने, उस रेशो के अकॉर्डिंगली हम उसको दोबारा रिवाइव करने की एफर्ट एज ए ह्यूमन बीइंग नहीं कर रहे, एज ए कलेक्टिव सोसाइटी या एज ए ग्लोबल विलेज अभी उसके लिए बहुत ज़्यादा काम करना बाकी है। और जब मैं कुछ एकेडेमिया जो वेस्ट में इस वक्त है जिसको इंग्लिश स्कूल कहा जाता है उनके कुछ रिसर्च को अंडरस्टैंड करता हूँ तो आगे आने वाले टाइम में जो इंग्लिश स्कूल है उसमें तो बहुत सी ऐसी इन्वायरमेंटल रिसर्चेस की गई हैं जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा एपिडेमिक एंडेमिक डिजीज़ आने के खतरे हैं जिसके ऊपर उन्होंने कहा है कि बीमारियां भी आएंगी, यहाँ तक कि शॉर्टेज ऑफ फूड के ऊपर उन्होंने बहुत सी बातें की हैं। इन्वायरमेंट इम्बैलेंस होने की वजह से जो नेचुरल हमारा एक बैलेंस इकोसिस्टम का नज़र आ रहा है, बायोडाइवर्सिटी नज़र आ रही है, इसमें काफ़ी हद तक लॉस कि उन्होंने बात की हुई है। तो ये बहुत ज़्यादा अलार्मिंग सिचुएशन है इस 8 अरब पॉपुलेशन के लिए जो सिर्फ और सिर्फ पैसा बनाने या इकोनॉमी के पीछे लगे हुए हैं और जो हमारा ग्रीन कैपिटल है, नेचुरल रिसोर्स या नेचुरल कैपिटल है, उसको डैमेज कर रहे हैं। तो मेरी तरफ से तो आज के लेक्चर में यही तक। अब आप लोगों ने जो क्वेश्चन आंसर करने हैं आप प्लीज़ वो कर सकते हैं।